बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:2। कहते हैं कि ट्राइंगल है, उसकी दो साइडों में 3 और 2 की नस्बत है। कोई उसकी दो साइडें लेंगे, उनमें 3 और 2 की नस्बत रखेंगे। एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ 57 डिग्रीज, और उनके दरमियान एंगल जो है वो 57 डिग्रीज का है। तो बाकी दो एंगल इसके मालूम करें, एक एंगल उसने ये दे दिया, बाकी दो हमने मालूम करने हैं। देखिए ये ट्राई एंगल की बात कर रहे हैं। ट्राई एंगल में हमें पता है कि तीनों एंगल्स को सम करें तो 180 के इक्वल आता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो साइडें हमने लेनी है ट्राई एंगल्स की, उनमें 3 और 2 की रेशियो रखनी है। तो हमने ए और बी दो साइडें ट्राई एंगल की सपोज कर ली हैं। लेट ए एंड बी बी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की दो साइडें हमने ए और बी ले ली है, तो कहते हैं उनके दरमियान जो रेशियो है वो है 3:2 की। दो साइडें आप बी सी भी ले सकते हैं, कोई दो साइडें ले सकते हैं। तो हमने ए और बी दो साइडें ट्राइंगल की ले ली हैं, और उनमें रेशियो 3:2 उसने दिया हुआ है, ये चीज़ उसने दी हुई है। तो इसके अलावा उसने बताया हुआ है कि अगर हमने ये ए साइड ली है, ये बी साइड ली है, तो बाकी बचती है सी साइड। सी के सामने जो एंगल होता है वो हमें पता है गैमा होता है, तो गैमा उसने दिया हुआ है कि 57 डिग्रीज है। ये सारी बातें उसने बताई हुई है। तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स को प्लस करें 180 आता है। गैमा हमारे पास अब मौजूद है, गैमा की जगह पर हमने 57 डिग्री रख दिया, तो एल्फा प्लस बीटा प्लस 57 180 हो गया। 57 को उठा के उधर ले गए, उधर जाके इसको माइनस किया, तो एल्फा प्लस बीटा 123 डिग्रीज इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं। एक ये इक्वेशन आ गई है, एक इस तरह की और बनाएंगे, दोनों एंगल्स हम मालूम कर लेंगे। तो दो साइडें हैं ए और बी, उनमें 3 और 2 की रेशियो है। इंक्लूडेड एंगल उनका 57 है, तो इंक्लूडेड एंगल इन दोनों का, इन दोनों के अलावा सी साइड है, सी के सामने जो एंगल होता है वो गैमा होता है, तो वो 57 गैमा होगा। अब इनको इस्तेमाल करेंगे, टेनर्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी दोनों एंगल्स हम एल्फा और बीटा निकालेंगे। तो ये ए रेशो बी 3:2 है, इसको हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 3/2। रेशो का मतलब बटा ही होता है। अब इसमें से कोई वैल्यू निकाल लें, ए की निकाल लेते हैं, तो बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3b/2। तो ए की ये वैल्यू हमने निकाल ली है, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे टेनर्स लॉ में। अब ए और बी दो साइडें हैं, तो टेनर्स लॉ लगाने से ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 10/2 अल्फा माइनस बीटा। ए के सामने एंगल अल्फा, बी के सामने बी के सामने बीटा। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और नीचे आ जाएगा 10/2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें वैल्यूज लगा दें, ए की जगह पर हम ये रख देंगे 3b/2 हमारे पास मौजूद है, ये यहाँ पर लगा दिया, ये हो जाएगा 3b/2 माइनस ये वाला बी, और नीचे आया हमारे पास ए की जहाँ पर ये 3b/2 लगा दिया, 3b/2 प्लस बी। उधर आया हमारे पास 10/2 अल्फा माइनस बीटा/2, 10/2 अल्फा माइनस बीटा/2, और नीचे आया हमारे पास 10/2 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू 123 डिग्री हमारे पास मौजूद है, वो लगा दी 123 डिग्री/2। अल्फा प्लस बीटा की जहाँ पर हमने ये लगा दिया। अब ये बना हमारे पास इसमें से एलसीएम लें, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b/2b, यानी ये बनेगा 3b/2 है माइनस बी। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 3b/2b, तो ये आ जाएगा b/2। यानी इसको सॉल्व करने से, ऊपर वाली इनको सॉल्व करने से ये हमें मिलता है b/2, और नीचे हमारे पास एलसीएम लेंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2b+3b 5b/2 आ जाएगा, 5b/2 नीचे आ गया। और इधर है हमारे पास 10/2 अल्फा माइनस बीटा/2 डिवाइड बाई 10/123 को डिवाइड किया 2 से, और जो उसका आंसर आया उसका 10 ले लिया कैलकुलेटर से, तो ये हमें दे देगा 1.8418, ये आ जाता है 1.8418। अब ये नीचे ये जो वैल्यू है 5b/2, ये उलट के मल्टीप्लाई हो सकती है इसके साथ, इसको लिख सकते हैं b/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये उल्टा ली जाएगी 2/5b हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगी इसके साथ,
उधर रह गया हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर टू डिवाइड बाई 1.8418। इसी तरह से आ गया, टू से ये टू कट गया, बी से ये बी कट गया, तो इधर बचा 1/5। 1/5 0.2 के इक्वल होता है। इधर एक ऊपर 1 बच गया, नीचे 5 बचा है। 1 को 5 से डिवाइड कर दिया आ गया, ये वाली तो डिवाइड हो रही है, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 1.8418 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। बाकी हमारे पास बचा टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 बच गया। इसको 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कैलकुलेटर से दिया आ जाएगा 0.2 क्रॉस 1.8481, तो ये हमें दे देता है 36.96। ये आ जाता है 36.96 36.96। उधर हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो 2 मौजूद है, टेंजेंट को उठा के उधर ले गए तो एंटी टेंजेंट हो जाएगा, 0.3696 का एंटी टेंजेंट कर लिया, तो इधर रह गया हमारे पास अल्फा माइनस बीटा वो 2 रह गया सिर्फ, तो ये बचा। इसका एंटी टेंजेंट निकालेंगे, एंटी टेंजेंट इसका निकाला तो ये आ जाता है 20 20 डिग्री और 17 मिनट्स। ये आता है 20 डिग्री 17 मिनट्स। अल्फा माइनस बीटा वो 2 जो है वो इसके इक्वल आ गया। तो हमें मिला यहां से, इस 2 को उठा के उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 2, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 40 डिग्री और तकरीबन 34 मिनट्स। 40 डिग्री 34 मिनट्स के लगभग ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन मौजूद हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और अल्फा और बीटा दोनों मालूम कर लेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा 123 के इक्वल और अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल, इनको ऐड कर लिया, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो प्लस बीटा माइनस बीटा पर कट जाएंगे, तो हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 123 डिग्रीज को ऐड कर लिया 40 डिग्री 34 मिनट्स में, ये आता है 163 डिग्री। ये आएगा हमारे पास 163 डिग्री और 34 मिनट्स। 2 को उधर ले जाएं, डिवाइड कर दें तो 2 इनको डिवाइड करेगा तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई, ये आ गया तकरीबन 81 डिग्री 47 मिनट्स। तो एक एंगल हमने ये निकाल लिया अल्फा, बाकी बीटा मालूम करना रह गया है, इसको उठा के पुट कर लें 1 में या 2 में, पुट इन, चलें इसको 1 में पुट कर लेते हैं। 1 हमारी ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री, पुटिंग इन 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री, इसमें इसको रख लेते हैं, अल्फा की जगह पर ये रखेंगे 81 डिग्री 47 मिनट्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्रीज, तो बीटा आ गया 123 डिग्रीज। इसको उठा के इधर ले गए 81 डिग्री 47 मिनट्स को जाके माइनस कर दिया तो हमें ये बीटा भी मिल जाएगा 123 डिग्रीज माइनस 81 डिग्रीज 47 मिनट्स, इनको माइनस किया तो ये आ जाएगा तकरीबन हमारे पास 41 डिग्री और 13 मिनट्स के लगभग। तो यही हमने मालूम करना था अल्फा और बीटा। इसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कहता है टू फोर्सेस 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी। दो फोर्सेस हैं, एक 40 न्यूटन की एक 30 न्यूटन की, ए बी और बी सी से उनको शो किया गया है एक ट्राइंगल में, विच आर इंक्लाइंड एन एंगल 147 एंड 25। उनके दरमियान एंगल है 147 डिग्री और 25 मिनट्स का। तो कह रहा है कि फोर्स है 40 न्यूटन की एक 30 न्यूटन की, 40 न्यूटन की जो फोर्स है वो ए बी पर मूल कर रही है, इसको हम ए का नाम दे लेते हैं, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो कहता है 40 न्यूटन इस पर एक्ट कर रही है, अमल कर रही है, इस पर कर रही है ए बी पर। दूसरा वो कह रहा है 30 न्यूटन की जो है वो बी सी पर कर रही है, ये बी है इधर सी रख लेते हैं, तो जो 30 न्यूटन की फोर्स है वो बी सी पर अमल कर रही है।
विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 147.25। इनके दरमियान जो एंगल है वो 147 डिग्री और 25 मिनट्स का है। तो ये बातें उसने सारी बताई हुई हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो रिजल्टेंट इनका होगा, रिजल्टेंट इनका आ जाएगा ये वाली फोर्स ए सी। तो हमने ये मालूम करना है, ए सी मालूम करना है। तो ए के सामने वाली साइड को हम ए का नाम दे लेते हैं, स्मॉल ए से इसको शो कर लेते हैं, सी के सामने वाले छोटे सी से शो कर लें और बी के सामने वाली को छोटे बी से शो कर लें। यही बी हमने दरअसल मालूम करना है। अब देखें, इस ट्राइंगल को हम देखें तो हमारे पास दो साइडों की लेंथ मौजूद है, एक 30 न्यूटन है ए जो है, और दूसरी जो है सी जो है वो 40 न्यूटन है। सी हमारे पास 40 न्यूटन की फोर्स है और साइड बी जो है वो हम मालूम करेंगे। और बी के सामने जो एंगल होता है वो बीटा होता है, वो उसने ये दे दिया है। बी के सामने एंगल है बीटा, वो 147 डिग्री और 25 मिनट्स का है। तो देखें, दो साइडों की लेंथ का हमें पता है, तीसरी हमने मालूम करनी है, उनका इंक्लूडेड एंगल भी मौजूद है। तो हम इसको कॉस लॉ से साफ कर सकते हैं, ए और सी साइड उसने दे दिया, बी हमने मालूम करनी है। तो कॉस लॉ से करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी मालूम करना है इसलिए बी वाला हमने साइड इधर रखी, बाकी दोनों साइडों का स्केयर उधर आएगा, फिर इनका माइनस टू ए सी आ जाएगा और बी के सामने जो एंगल है बीटा उसका कॉस आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू लगा देंगे और साइड बी निकाल लेंगे। ए स्केयर 30 का स्केयर 900 लगा दिया, प्लस सी स्केयर सी का स्केयर 40 का स्केयर 1600 लगा दिया, माइनस टू ए सी, ए की जगह पर लगाया 30, सी की जगह पर लगाया 40, कॉस बीटा, बीटा ये है 147 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब ये बना हमारे पास बी स्केयर इज इक्वल टू, ये बना 1600 और 900, और ये वाला आ जाएगा हमारे पास 16 जमा 9 2500। इन दोनों को चलें ऐड कर लें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2400। और इसका काज ले लें, काज 147 डिग्री और 25 मिनट्स पर, ये हमें देता है आंसर -0.8426। ये आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25, ये सारा हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4522.26। तो हमें बी निकालना है, दोनों तरफ अंडर रूट कर लिया, इधर स्क्वायर रूट किया, इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 67.25 न्यूटन। तो ये तीसरी जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है इनकी ये वाली, वो है 67.25 न्यूटन्स। और यही हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना था।